तो सिकंदर आईडी से सवाल, इनका सवाल ये है, क्या नमाज में सूरह फातिहा की सिर्फ 3 आयतें पढ़ सकते हैं या नहीं? तो नमाज में अगर शुरू की 2 रकातें हैं यानी अव्वल 2, तो इसके अंदर तो सूरह फातिहा की तमाम सूरतों का पढ़ना वाजिब है। इसी तरह सुन्नत के अंदर भी तमाम सूरतों रकातों के अंदर सूरह फातिहा का पढ़ना वाजिब है, और तमाम से मुराद ये है कि सारी आयतें इसके अंदर पढ़ना ज़रूरी है। मिसाल फ़र्ज़ की नमाज़ ले लेते हैं कि फ़र्ज़ की शुरू की 2 आयतों के अंदर, 2 रकातों के अंदर सूरह फातिहा की सारी आयतें पढ़ना वाजिब है। लिहाजा फ़कत 3 आयतें बंदे ने किसी ने पढ़ी तो उसका वाजिब अदा नहीं होगा। अगर ये जानबूझ के करी तो नमाज़ वाजिब लियादा होगी, दोहरानी होगी। और इसी तरीके से अगर फ़र्ज़ की आखिरी 2 के अंदर सिर्फ 3 आयतें पढ़ेगा तो इससे नमाज जो है ना वो हो जाएगी सूरह फातिहा की, अगर 3 आयतें फ़र्ज़ की आखिरी 2 में पढ़ी तो। विजिट करें wazifa.sfswarsi.com पर और अपनी दीन और दुनिया की भलाई के लिए पाएं ढेरों आसान वजीफे।